हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल कोडिंग करी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टेबल क्रिएट करना। बिकॉज़ एक वेबसाइट में अगर आपको कुछ भी डेटा टेबुलर फॉर्म में दिखाना है तो उसके लिए आपको टेबल आना बहुत ज़रूरी होता है। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम टेबल क्रिएट करने के साथ साथ क्या करेंगे, उसकी जो फॉर्मेटिंग वो होती है वो सब हम सीखेंगे। तो क्या करते हैं, चलिए मैं अपना जो सब्लाइम का प्रोग्राम है वो ओपन कर लिया है। आज का टाइटल हमारा क्रिएटिंग टेबल है। फ्रेंड्स, टेबल बनाने के लिए कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए मैं आपको ये डेमो ही दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, टेबल में हमारे पास तीन टाइप होते हैं, मतलब कि तीन हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं स्ट्रक्चर के। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, वेबसाइट के होते हैं ना, एक हेडर होता है जिसमें कि वेबसाइट का हेडर आता है, फिर मिड कंटेंट होता है, एक फुटर होता है। उसी तरीके से टेबल में भी देखिए फ्रेंड्स, एक होता है ये जो फर्स्ट आपको रो दिख रही है, ये टेबल का हेडर है, और ये बीच का आप लगा बोल सकते हैं जो कंटेंट है, ये आता है हमारा टी बॉडी के अंदर, और ये जो लास्ट का आता है ये होता है टी फुट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे टेबल क्रिएट। फ्रेंड्स, टेबल क्रिएट करने के लिए ना HTML में ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड टेबल टैग है, उसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले टी हेड, ठीक है, टेबल की जो हेडिंग है वो इसके अंदर आती है। और टेबल की हेडिंग के लिए सबसे पहले आपको एक रो क्रिएट करनी पड़ती है, और रो क्रिएट होती है टी आर के ज़रिए, और उसके अंदर आपको कितने कॉलम्स चाहिए वो आते हैं टी एच। फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि टी हेड के अंदर जो कॉलम्स आप डिफाइन करेंगे वो टी एच के ज़रिए करेंगे, और बाकी के जो कॉलम्स होंगे वो टी डी के ज़रिए करेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, हम टी एच सपोज़ कीजिए, मुझे क्या करना है, मुझे तीन कॉलम बनाने हैं, ठीक है। और कॉलम बनाने से पहले फ्रेंड्स, हम यहाँ पर क्या करते हैं, टेबल के अंदर ही एक होता है कैप्शन। कैप्शन का मतलब कि आप टेबल की क्या हेडिंग देना चाहते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए, मैं यहाँ पर लिखती हूँ मंथली एक्सपेंसेस, ठीक है, ये हमारी टेबल की हेडिंग हो गई, मतलब कि कैप्शन हो गया, किस बारे में हमारा टेबल है, ठीक है। और टी हेड के अंदर हमने टी आर लिया, और टी आर के अंदर टी एच, मतलब हम कितने कॉलम्स बनाने वाले हैं। हमारा फर्स्ट कॉलम है सीरियल नंबर, ठीक है, और ऐसे ही हम इसको कॉपी करके जो दो है, दो कॉलम जो हैं वो और बना लेंगे, और उसके नेम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया सीरियल नंबर, सेकंड हो जाता है हमारे पास आइटम्स, और थर्ड हो जाता है एक्सपेंसेस या कॉस्ट लगा लीजिए, ठीक है। ये बन गया हमारा टेबल हेडर। अब आ जाते हैं बीच का जो कंटेंट आएगा, उसके लिए फ्रेंड्स एक टैग होता है टी बॉडी का, ठीक है। तो टी बॉडी के अंदर फिर से वही प्रोसीजर हम अपनाएंगे। टी बॉडी के अंदर हमको क्या करना है, टी आर एक रो क्रिएट की, ठीक है, और रो के अंदर हम कॉलम क्रिएट करेंगे। ध्यान दीजिए, हमारे जो टी हेड के कॉलम हैं वो टी एच के जरिए हैं, और बाकी के जो कॉलम्स होंगे वो टी डी के जरिए क्रिएट होंगे। तो यहाँ पर हम सीरियल नंबर हमारा हो गया 1, ठीक है, और हम क्या करते हैं, सीरियल जो आइटम्स है, सॉरी आइटम्स हम लिख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि ग्रॉसरी लिख लिया हमने, एक फर्स्ट आइटम हो गया ग्रॉसरी, और एक सेकंड आइटम हम क्रिएट, सॉरी थर्ड आइटम हम क्रिएट कर लेते हैं कि इसकी कॉस्ट कितनी हुई हमारी मंथली, सपोज़ कीजिए हमने यहाँ पे 2000 लिख दिया, ठीक है। अब ऐसे ही हम कुछ और रोज़ जो हैं वो क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। ये देखिए, अब इसका जो सीरियल नंबर है, जो डेटा है वो हम चेंज कर देंगे। ग्रॉसरी हो गया, हमारे पास आ जाते हैं हम हाउस रेंट, ठीक है, ये हो गया हमारा जैसे 5000 का, और सीरियल नंबर 3, और इसके अंदर हम बिल डाल देते हैं, कोई भी बिल, ये हो गया हमारे पास 5000 के, ठीक है। ये आ गया हमारा टी बॉडी के अंदर जो भी मेन कंटेंट था, और उसके बाद एक आ जाता है टैग हमारा टी फुट का, कि मतलब टेबल का फुटर क्या है। तो फिर से हम एक रो क्रिएट कर रहे हैं, और रो के अंदर हम क्या करेंगे, फिर से एक टी डी, ठीक है, टी डी में हमने लिख दिया सपोज़ कीजिए
टोटल, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉस्ट, और यहाँ पर उसकी टोटल कॉस्ट डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 12,000 की, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 12,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं। अभी हमने कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं की है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास डेटा आ गया है। मंथली एक्सपेंसेस जो कि हमारा कैप्शन है, ये सीरियल नंबर आइटम्स और कॉस्ट हमारी टेबल की हेडिंग है, और 1, 2, 3 तक जो है ये हमारा टी बॉडी के अंदर क्रिएट हुआ है, और टोटल कॉस्ट आई है 12,000, ये है हमारा टी फुट के जरिए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, फटाफट जो है इसकी फॉर्मेटिंग करना भी सीख लेते हैं। आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर टेबल किया और यहाँ पर प्लस साइन पर क्लिक करके आप इसकी जो है फॉर्मेटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं टेबल को विड्थ दे रही हूँ 100% और बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल, ये ग्रे का कोड है। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं सबसे पहले अपने स्टाइल शीट में। और फ्रेंड्स, एक और चीज़ जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको ये बता दूं कि जो टेबल के ना कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, जैसे कि सेल पैडिंग 0 आपको डिफ़ाइन करना है और सेल स्पेसिंग भी 0 करना है। ये क्या होता है, सेल स्पेसिंग होता है, मैं आपको बता देती हूँ। सेल स्पेसिंग फ्रेंड्स क्या होता है ना कि दो सेल्स के बीच में, मतलब कि इस सेल के बीच में और ये सेकंड सेल है, इनके बीच की स्पेसिंग अगर आपको नहीं चाहिए तो आप 0 करेंगे, और सेल की पैडिंग मतलब कि इनके ऊपर नीचे साइड लेफ़्ट राइट की पैडिंग अगर आपको नहीं चाहिए टेबल के जरिए, ठीक है, तो वो आपने 0 कर देना है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम इसके कैप्शन पे। तो आपको क्या करना है, टेबल का जो कैप्शन है मैं उसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर रही हूँ, ये मैं 20 कर देती हूँ, मार्जिन जो बॉटम है वो 15 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, और हम क्या करेंगे, टेबल का ही कुछ फॉन्ट फैमिली भी डिफ़ाइन कर देते हैं, सो दैट कि थोड़ा अच्छा लगे। एक मिनट, फॉन्ट फैमिली हमने डिफ़ाइन की एरियल, और जो कलर है वो ओवरऑल चलेगा हमारा डार्क ग्रे। ठीक है, और कैप्शन भी हो गया हमारा। अब आ जाते हैं टी हेड, टी हेड के अंदर आपको टी आर का जो टी एच है वो डिफ़ाइन करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, टेबल टी हेड टी आर टी एच, और इसको हम क्या करते हैं, एक बैकग्राउंड दे देते हैं, ये देखिए। ठीक है, और साथ में हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे। अब करते हैं ये जो टीडीज़ हैं इनको भी हम करेंगे फॉर्मेट। तो इसके साथ साथ हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ टीएच को भी देनी है, तो ये मैंने कॉमन ले लिया है, टेबल टी बॉडी, टी बॉडी के अंदर हमारा टीआर और टीडी, और कॉमा टी फुट, इससे कॉमन लग जाएंगी हमारे पास ना प्रॉपर्टी सारी, तो इसीलिए मैं दे रही हूँ ऐसे। टी फुट हो गया, टी फुट के अंदर टी टी, ठीक है। तो चलिए इसको हम दे देते हैं पैडिंग 5 पिक्सल और 10 पिक्सल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, और हम क्या करते हैं, इसको टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सो दैट कि अच्छा सा दिखे, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट कर देंगे, ये देखिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने टी फुट पे। टी फुट को भी हमने क्या करना है, टी एच जैसा बनाना है, टेबल हेडिंग जैसा। तो हम क्या करेंगे, जो हमने टी हेडिंग को दे रखा है और इसी में कॉमा डाल के, हम जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ अगर हमें देनी होती है तो हम कॉमा डालते हैं, तो टेबल का टी फुट का टी आर का टी डी। ठीक है, तो ये देखिए ये भी हो गया है, और अगर आप चाहते हैं इसको भी फॉर्मेट, फॉन्ट्स जो वेट है वो भी उसके जैसा हो जाए तो बोल्ड कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आ गया आपके पास। अब हम चाहते हैं कि इनमें बॉर्डर दे देते हैं थोड़ा सा, सो दैट कि इट लुक्स
मच बेटर। तो चलिए टी डी आया, इसको हम बॉर्डर बॉटम करेंगे, ओनली बॉर्डर बॉटम सॉलिड 1 पिक्सल ग्रे, ठीक है। और लेफ्ट से भी कर देते हैं बॉर्डर राइट, सॉरी बॉर्डर राइट हमने दिया 1 पिक्सल, ठीक है। तो ये हमारा टेबल फॉर्मेट हो गया है। तो चलिए फटाफट क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमने CSS दी है वो सारी की सारी कर लेते हैं कॉपी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए, आते हैं अपने CSS पे और इसको पेस्ट कैप्शन पे, कैप्शन कॉपी पेस्ट, और TH पे कॉपी पेस्ट, एक और हमारा TH की है प्रॉपर्टी, वो भी हम लगा देंगे। और आते हैं अपने TD पे, तो इसकी भी हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। आई होप मैंने सारी जो CSS है वो कॉपी पेस्ट कर ली होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ गया है। अब फ्रेंड्स, जो हमारे पास दो मेन प्रॉपर्टीज़ टेबल की हैं वो रिमेनिंग ये हैं कि अगर हम जो ये जो दो टेबल हैं, सपोज़ कीजिए या सपोज़ कीजिए जो टोटल कॉस्ट है, ये मैं एक इनको मर्ज करना चाहती हूँ, बेसिकली इन दो कॉलम को एक कॉलम में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स, अगर आपको कॉलम को मर्ज करना है ना, तो उसके लिए होती है कॉल स्पैन, ठीक है। तो आप यहाँ से ये वाली TD मैं रिमूव करती हूँ और क्या करेंगे हम, यहाँ पर टोटल कॉस्ट लिख देंगे और इस TD के अंदर आपको क्या करना है, कॉल स्पैन, जितने भी कॉलम को आपको मर्ज करना है तो वो आप कॉल स्पैन के जरिए करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये अब हमारी बीच में से जो डिवाइडेशन थी वो हट गई है और ये दो जो कॉलम हैं ये एक हो गए हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपको क्या करना है, आपको ये 2 और 3 की जो रो है वो मर्ज करनी है, तो उसके आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये जो फर्स्ट TD है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, रो स्पैन लिखना है और कि जितनी रोज़ को आपको मर्ज करना है वहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। और क्योंकि अब हम जो हमारी रो सेकेंड और थर्ड मर्ज हो रही है तो हमें 2 में ही चाहिए, तो फर्स्ट जो ये वाली TD थी 3 वाली, ये मैंने रिमूव कर दी है, ठीक है। तो चलिए इसकी आउटपुट कैसे हमको चेक करनी है, ये देखिए ये आ गई हमारे पास, ठीक है। तो ये देखिए क्या हुआ, अब 2 और 3 मर्ज हो गया है, ये रो स्पैन से हुआ है और टोटल, और ये जो ये वाला था ये हमने एक कर दिया है, ये कॉल स्पैन के जरिए हुआ है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये जो टेबल की फॉर्मेटिंग है, कॉल स्पैन, रो स्पैन, ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स फिर भी कोई इशू है, कोई क्वेरी है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को मेरे इस वीडियो चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।